लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। युवा नेता निशांत भगत ने आज वासी गांव में कोरोना निवारक उपाय योजना को आगे बढ़ाते हुए जागरूकता कार्यक्रम चलाया। सदगुरु कृपा बिल्डिंग में बीजेपी नेता दशरथ भगत की उपस्थिति और मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों को फ्री मास्क बांटी गई और कोविड वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर युवा नेता निशांत भगत ने कहा कि कोरोना को हराना है तो 100% वैक्सीनेशन जरूरी है। उन्होंने कोविड महामारी में जान गंवाने वालों के परिजनों को दी जा रही मनपा की आर्थिक सहायता योजना की भी जानकारी साझा की और पीड़ित परिवारों से उसका लाभ उठाने का आह्वान किया। देखिए रिपोर्ट। कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक मानी जा रही है, ऐसे में समय पर सावधानी और बचाव जरूरी है। आज इन्हीं जरूरी उपायों को लेकर बीजेपी युवा नेता निशांत भगत ने वासी के सदगुरु कृपा बिल्डिंग में आयोजित इस कार्यक्रम में नागरिकों को कोरोना से बचाव के लिए मुफ्त मास्क बांटा गया और वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर बीजेपी नेता दशरथ भगत, युवा नेता संदीप भगत समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद थे। निशांत भगत ने यहाँ कोरोना से जान गंवाने वालों के लिए चलाई जा रही मनपा की आर्थिक सहायता योजना की भी जानकारी दी और पीड़ित परिवारों से इसका लाभ उठाने का आह्वान किया। आइए सुनाते उन्होंने और क्या कुछ कहा। या ठिकाणी आदरणीय दशरथ भगत साहब यांच्या शुभ हस्ते मोफत छत्री वाटप, त्यासोबतच मास्क वाटप आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या जनकल्याणकारी योजनेची माहिती देण्यासाठी आणि त्याची जनजागृती करण्यासाठी हा कार्यक्रम आज या ठिकाणी आयोजित करण्यात आलेला होता। या ठिकाणी महिलांना मोफत छत्री आणि सीनियर सिटीजन यांना छत्री वाटप आणि मोफत मास्क वाटप करण्यात आलेलं आहे। वाशी गावातील सर्वच नागरिकांना 100% लसीकरण कसं होईल त्यासाठी आज या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं नियोजन करण्यात आलेलं होतं। इस अवसर पर यहाँ मास्क वितरण, कोरोना वैक्सीनेशन, आर्थिक सहायता योजना समेत कई मुद्दों पर जागरूकता फैलाई गई। निशांत भगत ने इससे पहले सानपड़ा प्रभाग 78 में जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया था जो अभी भी जारी है। उन्होंने विश्वास जताया कि कोरोना को हराने के लिए नागरिकों को जरूरी सावधानियां बरतनी होंगी, तभी हम इस अभियान में सफल हो सकेंगे। आदरणीय गणेश जी नाईक साहेब यांच्या सहकार्याने आणि आदरणीय संदीप जी नाईक साहेब यांच्या संकल्पनेतनं जे मास्क वाटप हा कार्यक्रम जो नवी मुंबई शहरामध्ये 111 वार्डामध्ये चालू आहे त्याच्यामध्ये एकच उद्दिष्ट आहे की मास्क वाटप हा दुहेरी पार्ट आहे, परंतु प्राथमिकता ही आहे की प्रभागातला किंवा नवी मुंबई शहरातला प्रत्येक नागरिक ज्या ज्या वेळेस बाहेर पडेल त्या त्या वेळेस त्यांनी मास्क घालूनच बाहेर पडला पाहिजे आणि तो सुरक्षित राहिला पाहिजे। या अनुषंगाने लोकांपर्यंत मास्क विषयी माहिती किंवा जनजागृती किंवा त्याचं महत्त्व पटवून सांगण्यासाठी आम्ही खऱ्या अर्थानं हा नाईक साहेबांच्या आशीर्वादानं या ठिकाणी मास्क वाटपाचा कार्यक्रम घेतलेला होता। ब्युरो रिपोर्ट, टीव्ही वन इंडिया।